और हुती की विनाशकारी साजिश को लेकर बड़ा खुलासा, जहां तेल अवीव पर मिसाइल हमला हुती करेगा। हुती के पूर्व प्रवक्ता अली अल भुखेती ने आशंका जताई है हुती को मिल सकती है लंबी दूरी की मिसाइल। हुती के निशाने पर पूरा इजराइल होगा। तो ये दरअसल बहुत बड़ी खबर है। हूती विद्रोही बहुत विनाशकारी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं और इसी को लेकर हुआ है खुलासा। है क्या ये खुलासा? देखिए, तेल अवीव पर मिसाइल हमले की तैयारी में है हूती। लंबी दूरी की मिसाइल हासिल करने की तैयारी हो रही है। इस जुगत में लगे हुए हैं हूती। लाल सागर में हमलों से हूती के हौसले दरअसल बढ़े हैं। मुस्लिम देशों और अरब वर्ल्ड में हूती की लोकप्रियता बढ़ी है। अली अल बुखैती पूर्व प्रवक्ता हैं हूती के, उनकी तरफ से ये संकेत दिए गए हैं। ये कौन है इनके बारे में आपको बता दें, हूती का प्रवक्ता रह चुका है ये शख्स, इस वक्त ब्रिटेन में रह रहा है। यमन के पूर्व राष्ट्रपति साले का इसे करीबी माना जाता है। तो चतुर्वेदी जी, किस तरह से आप हूती विद्रोहियों की भूमिका को आज की तारीख में आंक रहे हैं, ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि इसराइल को भी गाजा में जंग का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तेल अवीव जैसे शहरों पर भी अब हमले हो रहे हैं, नुकसान उठाना पड़ रहा है इसराइल को, ऐसे में अगर हूती विद्रोहियों ने लॉन्ग रेंज मिसाइलें हासिल कर ली और इसराइल के तमाम शहरों को निशाना बनाने लगे, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। समीर, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। हूती विद्रोहियों का एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जो कि किसी के लिए भी काफ़ी चिंताजनक हो सकती है, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं, ये कन्वेंशनल फोर्सेस नहीं है। ये कोई एक तरह का एक्ट जरूर कर सकते हैं जिससे कि एकदम कुछ समय के लिए किसी को एक ऐसा लगे कि बहुत हमको हादसा हुआ है, बहुत हमको नुकसान हुआ है। अगर ये देखा जाए आज हूती को, आप देखिए विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड ऑल्सो, अगर वो उनके प्रवक्ता कहते हैं कि बड़ा उनको मनोबल बढ़ा है हूती का और सब लोग मुस्लिम देश उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, यह गलत है। सऊदी अरेबिया हूती का विरोध करता है। अब ये सब विद इन द मुस्लिम कंट्रीज हूती को समर्थन नहीं प्राप्त है और हूती केवल एक इस तरह की एक मैं कह सकता हूँ कि सिचुएशन कर सकते हैं जिससे कि कुछ समय के लिए किसी भी वेल ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस को थोड़ा सदमा लग सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं। लेकिन सर, उनकी तरफ से यह भी दलील दी जाती है ना कि भाई गाजा में 20,000 फिलिस्तीनियों की जान ले ली इसराइल ने हमले पर हमले करके, अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है, हम भी अपने सारे पत्ते खोल चुके हैं, अब हम भी जो कर सकते हैं वो कर लेंगे, ये भी तो एक दलील है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि अमेरिका ने या ब्रिटेन ने या इसराइल ने पूरे पत्ते खोले हैं, वो सही नहीं है। अभी बहुत एस्केलेशन हो सकता है और नेतन्याहू कह चुके हैं कि लंबी लड़ाई लड़ेगी चलेगी और किसी भी हालत में कि रिस्क लगातार यहां पर अब बढ़ता जा रहा है।